जहां एक ओर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में अन्य संगठनों से काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को सोनोवाल की एक रैली में उत्साही पुलिस कर्मियों ने काले जैकेट पहने एक 3 साल के मासूम बच्चे को रैली में जाने से रोक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री सोनोवाल ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि विश्वनाथ में आयोजित मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम का ये घटनाक्रम विभिन्न टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक महिला को अपने बच्चे की काली गर्म जैकेट को बदलते हुए दिखाया गया है और वो उसे एक हल्की शर्ट पहना रही है। बच्चा ठंड से परेशान है और चिल्ला रहा है। जब उस महिला से पूछा गया कि उसने ड्रेस क्यों बदली, तो महिला ने बताया कि सुरक्षा कर्मी ने काली ड्रेस के कारण उसे कार्यक्रम में प्रवेश नहीं करने दिया, जिसके कारण उसे जैकेट निकालनी पड़ी। यही नहीं, रैली में भाग लेने वाले युवकों को भी अपने ड्रेस के रंग की जाँच करानी पड़ी थी।